अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आज की वीडियो में होगा स्पाइस जार्स अपग्रेड। ये कब से मैं चाह रही थी अपने स्पाइस जार्स को चेंज करना। ये देखें, बहुत ही क्यूट से बैम्बू लिड्स वाले मैंने ऑर्डर किए अमेज़ोन से, बहुत प्यारे। मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी मेरी कबर्ड की क्या हालत है। ये देखें आप, स्पाइस जार्स अभी मैंने इसमें ऐसे ट्रे में करके रखे हुए हैं, तो मुझे ये अपग्रेड करने हैं। और ये मैं चाह रही हूँ इस कैबिनेट में लेके आना। ये देखें, अभी सारा जो है ना, ऊपर नीचे चीज़ें सही से सेट नहीं हुई हुई, तो इधर मैं ये ट्रेज़ वगैरह रखूँगी और स्पाइस जार्स शिफ्ट करके इसमें रखती हूँ। और दूसरी कैबिनेट ये है, ये तो मैंने टिन्स जो हैं वो थोड़े ऑर्गेनाइज कर लिए थे, कॉन्डिमेंट्स इसमें लेज़ी सूजन में रख लिए थे। अच्छा, जो बॉटम कैबिनेट है इसको मैं थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ। अभी मैंने बास्केट्स में सारी चीज़ें रखी हुई थी, पैकेट्स दालों के और कॉर्नफ्लावर और स्टफ़ लाइक दैट। ये सारी बेकिंग की चीज़ें इधर पड़ी हुई हैं, तो इनको भी मैं चाह रही हूँ कि बॉक्सेस में प्रॉपर डालूँ। अभी ये मैंने ऑर्डर किए थे स्टोरेज कंटेनर्स, इसमें मैं चाह रही हूँ कि मैं दालें और पास्ताज और ये सब कुछ डालूँगी। ये भी सब मैं वॉश करूँगी, ये सारे स्पाइसेस के, इसमें भी स्पाइसेस हैं इसमें भी। और ये देखिए स्पून्स कितने क्यूट से हैं, वुडन स्पून्स हैं जो क्यूट। और ये लेबल मेकर है, इसको तो मैं कब से लेना चाह रही थी, तो थैंक गॉड फाइनली इट्स हियर। तो मैं स्पाइस जार्स पे ये लेबल करके लगाऊंगी। और ये ट्रेज मैं यूज़ करूंगी लैडर्स, इस पे स्पाइस जार्स रखूंगी इंशाल्लाह ताला। जब ये कंप्लीट होगा तो आप देख के बताना कि अब बेटर लग रहा है या कैसा लग रहा है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। इनको मैं पहले वॉश करती हूँ, देन आई विल कम बैक। अच्छा, तो जनाब फर्स्ट बैच इज़ डन। अब मैं ये सेकंड बैच वॉश कर रही हूँ, वो वाले जो कंटेनर्स है वो मैं इधर शिफ्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो जनाब ये सारे अब साफ़ हो गए हैं, कंटेनर्स भी, बड़े वाले भी और छोटे स्पाइसेस वाले भी। तो अब मैं ये इनको इन कंटेनर्स में स्विच करती हूँ। और ये मैंने थोड़े से लेबल्स भी बनाए, पहले वाले थोड़े बड़े बन गए थे, ये यहाँ मैंने भी साइड पे रखे हुए। तो जब आप यूज़ करते हैं चीज़ तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं। तो ये मैंने थोड़े साइज़ में छोटे फिर भी बनाए, तो लेट्स डू दिस नाउ।
जना मैंने स्पाइसेस डालनी है, अब मैंने ये वाली कैबिनेट खाली करनी है और फिर मैं इधर ट्रेस वगैरह लगा के, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि इसमें चीज़ें अच्छे से सारी स्पाइसेस सेटल हो जाएं और इनकी जगह जो यहाँ चीज़ें पड़ी हैं इनकी जगह कोई और बनाई जाए। लेट्स सी क्या करती हूँ। ओके लेट्स टेक थिंग्स आउट। तो जनाब स्पाइस जार कैबिनेट हो गई है कंप्लीट। टरा, लुक एट दिस। ये वाले जो पेपर्स के और अनियन के और गार्लिक के ये बॉटल्स थी, ये मैंने इनमें डाली हैं और इसमें फिर मैंने ऊपर इनकी जो एक्सपायरी डेट्स हैं वो मैंने ऊपर लिख दी हैं कि जिन जिन की एक्सपायरी डेट्स थी वो मैंने उनके लेट पे लिख दी है। और ये रहा सेकंड कैबिनेट। ये जंक चेक करें आप, ये सारा जो निकला है अभी ये सारा अभी बाहर जाएगा। लॉट्स ऑफ जंक हियर। ये वाली कैबिनेट अभी वैसी की वैसी है, इतनी ज़्यादा इसको मैंने छेड़ा नहीं अभी क्योंकि वो ऑलरेडी इतना काम हो गया था स्पाइसेस का, तो ये भी मैंने ऐसे ही रखी हुई है। थोड़ा सा ही बस आगे पीछे की हैं चीज़ें, बट वी नीड मोर ऑफ दीज फूड कंटेनर्स ताकि मैं और चीज़ें उसमें डाल सकूं। तो आई नीड टू ऑर्डर सम मोर फ्रॉम अमेज़ॉन। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बिग टास्क था वो ये स्पाइस जार कैबिनेट का था, वो अल्लाह का शुक्र है हो गया। अब मज़ा आएगा कुकिंग करने का और भी ज़्यादा। आई होप आज की वीडियो आपकी पसंद आई हो। इफ़ सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगी। बहुत सारे किचन कैबिनेट्स मुझे ऑर्गेनाइज करने हैं अभी, बल्कि मैं आपको दिखाती हूँ मेडिसिन कैबिनेट का हशर क्या हुआ हुआ है और उसको मैंने दोबारा से रीऑर्गेनाइज करना है। इट्स लॉन्ग ड्यू। ये भी मैंने फ़िलहाल इधर रख दी, लेवल मेकर भी। तो या इधर अभी मैंने ये क्रिस्प रखे हुए, नीचे बॉटल्स। आई नीड टू डू दिस एज वेल। इसका मुझे सोचना सोल्यूशन, मेडिसिन बॉक्स ये चेंज करूँगी मैं कैबिनेट भी। सो लेट्स सी कैसे होता है। तो आई होप आप सबको पसंद आई हो वीडियो। इफ सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।